हेलो दोस्तों, जब भी हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करना होता है या फिर ईमेल किसी को भेजना होता है तो वहां पर हमें खुद अपने फिंगर से टाइप करनी होती है दोस्तों, जो काफी टाइम टेकिंग होती है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे मोबाइल कीबोर्ड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं एंड उसे एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको दोस्तों जो समय लगता है टाइपिंग करने में वो टाइम नहीं लगेंगे, आप बोलोगे एंड ऑटोमेटिकली ये टाइप होते जाएगा दोस्तों। और सबसे इसका फीचर दोस्तों ये हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। आप एक ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इंग्लिश लैंग्वेज को भी लिख सकते हो बिना फिंगर को यूज किए हुए बोलकर, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे दोस्तों। और सबसे बेहतरीन एंड खासियत जो है इस ऐप का ये है कि आप जो बोलोगे आपके वॉइस को क्लियर ऑब्जर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन क्या होते हैं कि आप बोलते कुछ और हो लेकिन टाइपिंग कुछ और होती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में वैसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप क्लियर बोल रहे हो वॉइस, उस वॉइस को क्लियर वो ऑब्जर्व करता है एंड वही टाइपिंग होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सा ऐप है? ये है दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, हिंदी कीबोर्ड है, प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है। इसे चलिए दोस्तों इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, हालांकि दोस्तों आप देखेंगे बहुत सब मोबाइल में गूगल कीबोर्ड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन उसमें समस्या है कि हिंदी टाइपिंग अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जो आप टाइपिंग करना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, उसे एक्टिवेट करके आप बोलकर उसे टाइप कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से इसे यूज करेंगे इस ऐप को, उसके लिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले प्ले स्टोर पे, वहां से इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप इसे शेयर भी करें दोस्तों, और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि दोस्तों अभी तक आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हाइड करके मैं रखा हूं, मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि मैं अपने सब्सक्राइबर को शो करूं, बट जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक मैं इसे हाइड ही रखूंगा, ये मेरा पर्सनल थॉट है दोस्तों। प्लीज अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ ही समय में मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए दोस्तों, आप सीधे बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पर हम लोग सीधा जाएंगे प्ले स्टोर पे दोस्तों। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद टाइप करेंगे देश हिंदी कीबोर्ड। ठीक है, ये जैसे ही आप टाइप करोगे दोस्तों एंड सर्च करेंगे, जो आपके सामने एप्लीकेशन आ रहा है देख रहे हैं हिंदी कीबोर्ड, इस एप्लीकेशन को जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ अपडेट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है इसे इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप जाओगे अपने मोबाइल के सेटिंग में। ठीक है, जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ परमिशन देना होता है, और जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो दोस्तों तो वो आपको मिलेंगे ऐप एंड नोटिफिकेशन में। आप सभी फ़ोन का अलग अलग फीचर होता है, तो आप प्लीज़ इस चले जाएंगे ऐप एंड नोटिफिकेशन में एंड उस ऐप को जिसे अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसे सर्च करेंगे। ठीक है, उसे देखेंगे वो कहाँ है, और उसे खोजने के बाद दोस्तों उसे कुछ परमिशन देना है हम लोगों को। तो चलिए, ये था हिंदी खोज, देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये है, इसी को इंस्टॉल किया था अभी जस्ट, तो इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर ओपन करेंगे एंड देख रहे होंगे यहाँ परमिशन है, परमिशन पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो माइक्रोफोन है, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों इसे इनेबल रखेंगे माइक्रोफोन के। ठीक है, माइक्रोफोन इनेबल होना चाहिए, तो चलिए माइक्रोफोन इनेबल था एंड अब आ जाएंगे दोस्तों नीचे जाएंगे एडवांस में, तो नीचे आने के बाद ये जरूर कर लेंगे दोस्तों इसे अलाउ, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल अननोन ऐप्स, इसे अलाउ जरूर रखेंगे, अलाउ नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। बस इतना सेटिंग करने के बाद, जैसे ही इतना सेटिंग करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये कीबोर्ड जो है आपके मोबाइल में फिट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो अगर आप कुछ फिर टाइप करना चाहोगे तो देखेंगे दोस्तों बहुत बेहतरीन ढंग से ये टाइप होती है। जैसे देखेंगे दोस्तों मैं यहाँ अगर कुछ सर्च करना चाहूँ तो आप देखेंगे, एक तो आप चाहोगे सबसे पहले जैसे चाहोगे कि फिंगर से टाइपिंग करना, तो यहाँ स्क्रीन पे कीबोर्ड खुला हुआ है, आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी
कुछ भी टाइप कर सकते हो, हाउ टू रैंक YouTube वीडियो, देख रहे हैं दोस्तों YouTube वीडियो ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है दोस्तों, ये फिंगर से मैंने टाइप किया, तो ये फिंगर से टाइप कर रहे हैं दोस्तों। अगर इसी चीज को, ये तो इंग्लिश में हो गया फिंगर से टाइप करना, हिंदी में अगर करना चाहते हैं इसी चीज को करने के लिए, तो हिंदी में करने का तरीका है दोस्तों, आप क्या करोगे, नीचे में देखेंगे यहाँ आ का बटन आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, नीचे में देख रहे होंगे यहाँ शो नहीं कर रहा, यहाँ अ का बटन है, इसी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हाईलाइट हो जाता है, ग्रीन जैसा हाईलाइट हो गया। अब आप जब भी टाइप करोगे कुछ भी तो यहाँ हिंदी में टाइपिंग होंगी होंगे, ठीक है, जैसे कि देखेंगे वीडियो को रैंक कैसे करें। और सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, जो आप लिखना चाहते हो ना एग्जैक्ट उसी को ये कैप्चर करता है, वही वर्ड सेम आते हैं, उल्टा पुल्टा वर्ड इज नहीं टाइपिंग होते हैं दोस्तों। ये हिंदी में टाइपिंग हो गया, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया ये फिंगर से आप टाइप कर रहे हो लोग दोस्तों, जो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं ये देखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर साइड में जहाँ पर एक डॉलर का सिम्बल आ रहा होगा उसके बगल में सेटिंग है, सेटिंग के बगल में आपको माइक्रोफोन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रोफोन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, और जैसे ही ये खुलेगा दोस्तों तो आप यहां पर साइड में जरा देख लेंगे, यहां साइड में देखेंगे यहां लिखा हुआ इंग्लिश, जब ए लिखा हुआ है हाईलाइट है तो इसका मतलब आप बोलोगे तो वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बटन पे जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ ए है उसी पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, एंड आ एक्टिवेट होगा, तो इसका मतलब है आप जो बोलोगे वॉइस बोलोगे वो हिंदी में टाइपिंग होगी, ठीक है। तो इसे इनेबल, जब इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश में इनेबल कर देंगे, हिंदी रखना है तो हिंदी में कर देंगे। एंड जो बीच में अभी फिलहाल दिख रहा है आपको एरर रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको स्पीक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, क्या का ऑप्शन आ जाएगा, स्पीक नाउ का। तो चलिए आपको करके पहले दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एरर इनकोडिंग है, यहाँ पर मैं बोलूँगा, अभी इंग्लिश है तो इंग्लिश में टाइपिंग होगी, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो ऑन, दोस्तों ये नहीं ले रहा है क्योंकि ये अब समझ में आ रहा है, ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जिसके वजह से ये परमिशन नहीं दे रहा है उस ऐप को रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, जिसके वजह से ये एरर दे रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही आप इसको आप बोलोगे बहुत बेहतरीन ढंग से ये यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है, चलिए हिंदी में देखते हैं, करके देख लेते हैं हिंदी में टाइपिंग होती है कि नहीं होती है। हिंदी में भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके वजह से यहाँ एरर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, ठीक है। स्क्रीन कुछ बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो अदर ऐप्स को उसके ऊपर ओवरले होने नहीं देते हैं उस, ठीक है, होने नहीं देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इसे इंस्टॉल कीजिए एंड ट्राई कीजिए, देखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम करती है दोस्तों, आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलकर टाइपिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ एक हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, एंड दोज हु आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग माई दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट अ रेगुलर अपडेट। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।